नमस्कार साथियों, भारतवर्ष की जय हो। चुनाव 17 तारीख को मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। एक कुछ वीडियो दिखाने जा रहा हूं अभी आपको मैं। उस वीडियो को देखने के बाद शायद मेरे भटके हुए हिंदू भाई बहन परिवार शायद को समझ पाए कि आपकी गलती आपको और आपके देश को, आपके राज्य को किस स्थान पर लेकर के जाएगी। आप देखिए उनकी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं और कितनी संजीदगी के साथ में और कितना खुल करके वो अपने समाज को चेताने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सोया वो कौन है यार, ये सोचने का विषय है। भटकता कौन है और सरकारी बनती किसके मत से है, बिगड़ती किसके मत से है, इसका फैसला आपको स्वयं को करना होगा। आप देखिए देखिए ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है अभी तक की आजादी की बात के आज के इतिहास तक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिसने खत्म कर दिया हो। हर सरकार में ये चीजें रही हैं और रहेंगी, लेकिन दोस्तों 70 साल का इतिहास और विगत 2014 के बाद का इतिहास इतना तो मानना पड़ेगा जो हिंदू धर्म और सनातन की जागृति और उसकी पैरवी हुई है शायद इसके पहले कभी नहीं होगी। जितना फक्र आप और हम आज हिंदुस्तान को लेकर करते हैं क्या उसके पहले कर पाए। दिल पे हाथ रखिए, राम को साक्षात अपने सामने खड़ा करके बात कीजिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। इसके पहले आपका धर्म क्या था, क्या आप में धर्म को लेकर सनातन को लेकर के एक जोश के साथ जो आज आप में है बात करने की शक्ति ताकत थी। एक विचार करके देखिए, भारत जनता पार्टी के शासनकाल में महाकाल के सवाल के ऊपर थूका जाता है और बवाल किया जाता है। आज अगर वर्तमान में ये हालत है, अगर हालत बदले तो और क्या क्या हो सकता है, ये सोचना आपको है, मेरे को है, इस समाज को है, सनातन को है। आप उनके तैयारी को देखिए, किस कदर वो खुले में ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। दोस्तों हिंदू जितना स्वार्थी है ना, उतना स्वार्थ दूसरी कोई कौम है नहीं। वो समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं कि सरकार भी उनकी सुनती है। लेकिन हम कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी इसके हैं, कभी उसके हैं। हम धर्म के तो कभी हुए ही नहीं। एक बार धर्म के होके देखो यारों, राजनीति में सत्ताएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, धर्म हमारा अखंड है और धर्म की लाज के लिए हमें एक होना पड़ेगा और वापिस से हमारे निर्णय को हमें दोहराना पड़ेगा। मतलब है कि यारों, सनातन के बारे में सोचिए, राम के बारे में सोचिए, कृष्ण के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए, भगवान के बारे में सोचिए, टीके के बारे में सोचिए और नारियों की सुरक्षा के बारे में सोचिए। वोट उसी को दें जो आपके धर्म की रक्षा करे, सनातन की रक्षा करे, नारित की रक्षा करे। कमाई आप कर सकते हैं हिंदू के, हिंदू माँ के शेर हैं, हिंदू माँ के लाल हैं, धरती को फाड़ करके सोना उगाल सकते हैं। महंगाई क्या चीज है, लेकिन धर्म हमारे लिए पहले है, प्रमुख है, उसको पहचाने। इस वीडियो को ध्यान से सीन देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा कि तैयारियां उनकी पुख्ता हैं और आपकी फैसला आपके हाथ में 17 तारीख आपके सामने है। ये चुनाव कानून विधि विधान बनाने का, हमारे घर में जो गेहूं, जो आटा, जो तेल, जो राशन हमको मिलता है उसका व्यवस्था करने का चुनाव है। हमारा पूरा मध्य प्रदेश की तरक्की का चुनाव है और ऐसे चुनाव में हमारे सामने जो पार्टियां खड़ी हैं वो एक हमारी दुश्मन पार्टी, जिसको जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, वो उम्मीदवार को हमारी अजान से तकलीफ है। अगर आप कहेंगे तो हम अभी आपको वीडियो दिखा देंगे, नहीं तो कल दिन में 2 बजे हमारे घर को वहाँ पर मीटिंग रहेगी, आप सब लोग आना, वहाँ हम सबको आपको वीडियो दिखाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह का बहरा हो गया है, माजल्ला। दिन भर में 6 बार सुबह से लेके अजान पुकारते रहते हैं। तो जिनको हमारी अजान से तकलीफ है, जिनको हमारी नमाज से तकलीफ है, जिनको हमारे अल्लाह से तकलीफ है, हम उन्हें वोट हरगिज़ हरगिज़ हमारी शरीयत पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, हम उनको वोट नहीं दे सकते। सब ये बात पूरे में फैल गई कि अब इस बार हमारे अपने इलाके के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने एक साजिश के तहत, यहाँ पर हमेशा आए हुए थे गृह मंत्री, एक साजिश के तहत MIM को यहाँ पर खड़ा कर दिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के तकरीर कराकर इस पूरे 7 वार्ड का माहौल गंदा करने का काम कर रहे हैं। अगर आप जीतते होते तो जो है कांग्रेस को हरा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, अपने को किसी के हेर फेर में नहीं बचता है, अपने को
कमलनाथ की सरकार बनाना है और हाथ के पंजे में वोट देना है। ये बात बताने के लिए बहुत जरूरी बात ये थी कि बुरहानपुर से 500 किलोमीटर चलकर शहनाज अंसारी आज 4-5 दिन से हमारे अपने इलाके में आकर अलग अलग मीटिंग करी है। क्या हुआ उनके साथ? बुरहानपुर अपने मध्य प्रदेश का है ना। अभी जब महापौर का चुनाव हो रहा था तो उसमें कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया और MIM के लोगों को खड़ा कर दिया भाजपा वालों ने। जब ये हार गई, जीता कौन? एक गैर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का आदमी जीत गया वहाँ लेजिस्लेटिव। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं वोट के बंटवारे से भाजपा का फायदा होता है। हमें और आपको भाजपा को रोकना है और कांग्रेस को कमलनाथ जी को लाना है तो हमें तो उसको सबक सिखाना है। उसका तरीका ये है, उसका हथियार आपके सामने है, आपका वोट। आपके ही वोट से चुनाव जीतेंगे हराया जाएगा, इसलिए उसका जवाब उस रूप में देने की जरूरत है। एक बात और, हमारी बहन ने कहा क्या गारंटी है? हमारी गारंटी नहीं कि अभी हम खड़े हैं घर पे जाएंगे कि नहीं, अल्लाह के प्यारे हो जाए, कोई गारंटी नहीं। आप में से जितने लोग हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो गद्दार थे, गद्दार अभी भी हमारे बीच में रहते हैं, जो गद्दार थे वो गद्दारी करें, उनके खानदान में ये बात चली आ रही है। माधोराव सिंधिया का घराना जब आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक सिर्फ गद्दारी करे हैं, लोगों को धोखा दिया है, वो कांग्रेस पार्टी की अच्छी भली चलती सरकार को गिराकर चले गए। सुना आपने, देखा आपने कितनी पुख्ता तैयारियां हैं उनकी, किस कदर की सोच है, कितने धर्म के प्रति समर्पित हैं वो, अपनी पार्टी के प्रति कितने समर्पित हैं वो। सोचना दोस्तों आपको और मेरे को है, कहीं निर्णय गलत हो न जाए और आपका सनातन, आपका धर्म और आपका देश वापिस से किसी अत्याचारी, किसी अन्यायी, किसी आक्रांता के हाथ में आ ना जाए। सोचिए दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए वोट कीजिए, सनातन के लिए वोट कीजिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निजी रिश्तों के लिए नहीं। वोट होगा सनातन धर्म के लिए होगा, धर्म की रक्षा होगा।